नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बता रही हूं अमावस्या के दिन करने वाले महा उपाय के बारे में। मित्रों, अमावस्या के उपाय को महा उपाय इसलिए बोला कि इस दिन जो उपाय किए जाते हैं उससे न केवल पितृ तृप्त होते हैं, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी है, तो इस दिन पितृ अपना आशीर्वाद देकर भी आपको जाते हैं। तो पितरों को किस तरह से विदा करें और ऐसे क्या खास उपाय करें जिससे कि पितृदेव तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएँ। मित्रों, परिवार में झगड़े होना, संतानोत्पत्ति में दिक्कत आना, शिक्षा में बाधा आना, कोई घर में कोई मांगलिक उत्सव ना हो पाना, बनते हुए मकान का काम रुक जाना, तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं। कहने को छोटी हैं पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी समस्या है ये। और ये सब होती है परिवार में जब सब कुछ सही चल रहा है फिर भी दिक्कत आ रही है, तो समझो पितृ कुपित हैं। और पितरों को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ये सारे विघ्न बाधा आपके परिवार से दूर हो जाती हैं। तो पितरों को मनाने का दिन होता है अमावस्या का दिन। तो अमावस्या 28 तारीख की है, 28 सितंबर 2019 को अमावस्या है, और उस दिन आप ये 3-4 उपाय कर लीजिए तो इस ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके घर के जो पितर हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो उनका वर्ग है, उस वर्ग का कोई भी गरीब व्यक्ति या महिला दिख जाए तो उनको आपको वस्त्र अवश्य ही देने चाहिए। इसके अलावा एक थाली में सीधा रख कर देवें, सीधा उसको बोलते हैं जब कुछ खाने पीने की चीज़ें रखकर, पहले तो घर घर जाकर जो ब्राह्मणी आया करती थी, मैंने देखा था बचपन में, हमारी जैसे मम्मी उनको हर बार थाली पूर्णिमा पे भी आती थी, अमावस पे भी आती थी, लेकिन हो सकता है कई जगह अब नहीं आती हूँ, तो आप मंदिर में थाली बना के भिजवा सकते हैं। एक थाली के अंदर आपको आटा लेना है, सारे मसाले लेने हैं, जो आपके किचन में चल रहा है ना उसी में से लेने, अलग से लाने की जरूरत नहीं है, जो आप यूज़ कर रहे हैं ना उसी में से ले लीजिए, बस वो झूठा नहीं होना चाहिए जनरली, और झूठा जनरली होता भी नहीं है। तो किचन में से थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया ये सब ले लिया, आपने आटा रख लिया, दालों में से थोड़ी थोड़ी दालें रख ली, और सब्जियां जैसे आलू है या और कोई सब्जियां वगैरह ये रख ली, लहसुन प्याज नहीं रखना है, बाकी ये सब चीज़ें आप उसमें रख दीजिए, और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा रखकर हाथ जोड़कर जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी जो भी आपके घर में अगर लेने आती है तो उनको, नहीं तो जनरली ब्राह्मणी ही आती थी घर में लेने के लिए, और आप अगर वो आती है आप उनको साड़ी वगैरह भी दे सकते हो और कपड़े वगैरह भी दे सकते हो, कपड़े सिले हुए नहीं हो तो जो पीसेस में पड़े रहते हैं ना, कट पीस वगैरह में कपड़े, पैंट शर्ट के और ये, वो भी आप उनको दे सकते हो अगर उनके घर में कोई पहनने वाला है, नहीं तो आप मंदिर में भी ये सब चीज़ें रखकर आ सकते हो। इसके अलावा आपको गरीबों में भोज्य सामग्री के रूप में कंगन हुआ, कचौरी उसमें ऊपर से दही डला हुआ हो, और खीर हुई या सफ़ेद बर्फी हुई, ये सब चीज़ें आप गरीबों में वितरित करो। तो ये चीज़ें आप करोगे तो ज़रूर आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अमावस्या के दिन वैसे पूरे घर की सफाई करनी चाहिए, गैस के चूल्हे की पूरी सफाई करके उस पर कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी मिला के उसको आप सुबह सुबह अर्पित करो, उसके बाद ही कुछ चीज़ बनाना चालू करो। घर में जो पानी का परंडा होता है उसको पूरा नीट एंड क्लीन रखें, उसमें ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, जब आप घड़े में ऊपर से पानी पीते हो जैसे गिलास या लोटा भर के, तो पितृदोष पनपता है, क्योंकि पितरों का जो निवास है ना आपके घर के परिंडा पर भी माना गया है। तो घर के परिंडा पर एक दीपक जरूर लगाएं और अपना हाथ जोड़कर पितृदेव से जो भी श्राद्ध पक्ष के दौरान भूल चूक आपसे हो गई है उसके लिए क्षमा याचना उनसे मांगे कि वो आपको क्षमा करें, और उनका आशीर्वाद पूरे वर्ष भर आपको मिलता रहे, और जो भी भूल चूक है उसके लिए क्षमा मांगे, और ये बोलें कि आप बड़े हैं, आपके अंदर बड़प्पन है और हम आपके सब बच्चे हैं, तो हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसे आप क्षमा करो और अपना आशीर्वाद प्रदान करो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना कोई भी काम संभव नहीं है, आप हमारे लिए बहुत कुछ हो और आज हमारा जो वजूद है वो आप ही की वजह से है। तो पितृदेव से ये सब कृपा आप मांगे तो पूरा आपका साल अच्छा जाएगा और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो अमावस्या के दिन ये काम जरूर करें। अमावस्या के दिन सिर ना धोएं, अमावस्या के दिन कोई नई चीज़ खरीद कर ना लेकर आएँ, सिर्फ जो नवरात्रि पूजन सामग्री है जनरली लोग खरीद लेते हैं अमावस के दिन, हालांकि मैं इसको प्रेफर नहीं करती, आप नवरात्रि में सुबह सुबह भी जाकर खरीद सकते हैं, दुकानें जल्दी खुल जाती हैं, पर आप अपनी सुविधा से और आपके आसपास क्या व्यवस्था है उसके हिसाब से आप देख लें, क्योंकि नवरात्रि जो करेंगे वो तो फिर अमावस के दिन खरीदते ही हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो पूजन सामग्री की चीज़ें हैं इसलिए वहम ना पालें कोई भी मन में, जो भी आपके आसपास सहूलियत है उसके हिसाब से आप कर लें। लेकिन अमावस के दिन पूरे घर की आप सफाई करें, धुलाई करें, एक एक चीज़ को नीट एंड क्लीन करें, किचन के स्लैब की पूरी जैसे नॉर्मल सफाई करते हैं उससे ज़्यादा सफाई करें, इस तरह से पूरी धुलाई सफाई, और जो धूप में डालने वाले कपड़े हैं उनको धूप में डालें, ये सब चीज़ करने से नेगेटिविटी ख़त्म होती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ये एक बहुत बड़ा तंत्र भी है जिससे कि घर में सुख समृद्धि आती है, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।